नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। लोकल फॉर वोकल यानी विदेशी उत्पाद को मात देने की तैयारी। चाइनीज लड़ियों से नहीं बल्कि गाय के गोबर से बने रोशन करेंगे दिए दीपावली को। फतेहाबाद में बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं गाय के गोबर से दिए। इसे बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी और गवार गम का उपयोग किया जाता है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भाबू की विशेष रिपोर्ट। दीपावली की घनी अंधेरी रात को अपने रंग बिरंगी मोमबत्तियों और मिट्टी के दियों और झिमझिमाती हुई रंगीन लाइटों से खूब रोशन किया गया, मगर इस बार विदेशी झालरों की जगह गाय के गोबर से बने दियों से दिवाली रोशन होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान जो किया है, इसका ऐसा असर हुआ कि लोग अवसर तलाशने में जुट गए। हम बात करें फतेहाबाद के अधिकांश गौशालाओं की, जहां पर गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। इन दियों की इतनी कुशलता से तैयार किए जा रहे हैं कि देखने में ये आकर्षक तो लगते ही हैं, बल्कि मिट्टी से बने दियों से भी मजबूत होते हैं। इन्हें बनाने में गाय के गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गवार गम का प्रयोग किया जाता है। गौशाला में दिए बनाने में जुटे कारीगरों ने बताया कि पहले तो बाजार में गाय के दियों को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, मगर अब ऐसा रिस्पांस मिल रहा है कि डिमांड के मुताबिक दिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। केवल फतेहाबाद जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में विभिन्न इलाकों में और दिल्ली के साथ साथ लगते हुए बड़े इलाकों में भारी मात्रा में गाय के गोबर से बने इन दियों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कारीगरों ने बताया कि सनातन संस्कृति में घर के आंगन में पवित्र करने के साथ साथ पूजा स्थल को भी गाय के गोबर से लीपा जाता था, मगर आधुनिक चकाचौंध में लोग इसे भूलते गए। वैज्ञानिक तौर पर भी ये साफ हो चुका है कि गाय के गोबर में और उसे आंगन में लीपने से वहां पर रोगाणुओं और विषाणुओं तथा घातक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। वातावरण पूरी तरह से शुद्ध होता है, लेकिन आजकल घरों में इस तरह की जगह कम मिलती है। आंगन पक्के बन चुके हैं, इसलिए लोग गोबर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए अब गाय के गोबर से बने दिए बनाए जा रहे हैं ताकि हमारी पुरानी संस्कृति को जीवित रखा जा सके। वहीं गौशाला प्रबंधक ने बताया कि गाय के गोबर से बने दियों से जो आमदन होती है उसे गौशाला के विकास कार्यों में लगाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोग सीधे गौशाला में आकर दिए खरीदने में दिलचस्पी रख रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। में गाय के गोबर के दिए बना रहे हैं हम। इसकी डिमांड बार बार से आ रही है क्योंकि ये गाय के गोबर से बने हुए हैं कि इनकी डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि घर में शुभ रहते हैं ये, इनको जो जलाएगा ना इसलिए। और हम जागरूक करना चाहते हैं लोगों को कि गऊ के गोए के बने हुए दीवों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। कम से कम हमने 3-4 हज़ार तो अभी दे दिए, ऑर्डर आया है, बाहर भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, पास में गांव में सभी जा रहे हैं, और इसकी मांग आज फिर आई है। 1,000 दीवा आज भी हमसे मंगवाया गया है। तो जो गाय के गोबर से जो दिए बनाए हैं ये जो है, इससे आपकी आमदनी बढ़ती है? हाँ जी, गऊ की आमदनी गऊ पर लगा देते हैं कि ज़्यादा जो आता है गऊ पर लगता है सबसे ज़्यादा, कि आगे गौ सुधार हो रहा है, गाय के लिए फर्श लगाते हैं, सारा करते हैं इसलिए। तो आत्म इस गाय के जो गोबर से जो दिए बना रहे हैं इससे आप आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं? हाँ जी, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हाँ जी, आत्मनिर्भर हो रहे हैं ये हम, और एक रोजगार भी मान के चल सकते हैं। हाँ जी, रोजगार मिला है। हाँ जी, रोजगार मिला है एक,
खुद बना रहे हो? हाँ जी, खुद बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं। तो क्या क्या इसमें डलता है और क्या कैसे बनाते हैं ये? इसमें गाय का गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गमारगम डलते हैं। और ये दिए कितने के आप बेचते हैं? ये दिए 2 रुपये का एक बेचते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा। ये मैं बताऊँ जी, जो पहले की परंपरा है अपनी, जो पहले ऋषि मुनियों की परंपरा थी, वो हर वक्त गऊ का गोबर गोबर का लेपन करते थे, हर एक कुटिया में, हर एक घर में भी होता था पहले। और अब ये दीवे ही गऊ के गोबर से बनाए जाते हैं, इनकी शुद्धता बिल्कुल हर एक घर में बिल्कुल लाभकारी है, बिल्कुल सुगंध वाली बात है ये। जिस प्रकार से प्रदूषण का जो स्तर है बढ़ जा रहा है, और ये जो दिए घी के दिए जलाने से जो प्रदूषण में भी कमी आएगी? बिल्कुल कमी आएगी जी। तो आप जो पटाखे वगैरह है वो नहीं जलाएंगे? पटाखे तो मैं बताऊँ, पटाखे तो एक वैसे बच्चों का खेल है। मैं बताऊँ असली तो ऋषियों की जो है ने सच्ची परंपरा है, जो अपने भारतवासी की परंपरा है, उसके लिए दिव्य हमने तैयार किए हैं, ये बनाए हैं, और इससे सुगंध ही सुगंध फैलेगी। लोग कितने दिखा रहे हैं इसको लेने में अपनी जो? लोग तो मैं बताऊँ हमारे में पूरी नहीं हो रही, पूरी नहीं आ रही। पूरी नहीं आ रही? कहाँ तक जा रहे हैं ये दिए? ये बिल्कुल पूरे हरियाणा में तो जाएंगे, बाहर से भी लोगों की मांग आ रही है, दिल्ली से कम 1 लाख की मांग आ रही है इन दीवों की। क्या नाम है ये? मेरा नाम है शुभ सुरेश कुमार, मैनेजर गौशाला रतिया।